चालिस वर्ष समय भारतीय जेल मे नेपाली नागरिक दीपक जयसी तिमसिना रवि दिन नेपाल सुनवाई बिना चालिस वर्ष धेर जेल मे तिमसिना दिन जेल मुक्त अपन आफ प्रकाश चन्द्र सङ्गी नेप छ रवि दिन ओ इलाम के माई नगरपालिका वडा नम्बर दस मे घर पहचलए कर्तव्य ज्ञान मुद्दा म सन् उन्नाइस सय असी म भारत के दार्जिलिंग दार्जिलिङ सा दीपक 40 वर्ष धेर बिना सुनवाई कलकत्ता दमदम कारागार मे इलामक एक तप्पा कहल ठाम सो हजार सैतिस साल मे हराएल छ 40 वर्ष बाद ओ छसी वर्षक माई धन माया आ और सदस्य के भेटल छ 20 वर्षक उमेर म हराल ओ एक वर्ष वर्षक उमेर में घर घूरल दीपक अवस्था केहन जीवन अधिकांश समय अर्थात चालीस वर्ष जेल में बीतौने व्यक्ति के मानसिक अवस्था केहन भ सकय ये बात सहज अनुमान लगाल जा सकय दीपक शारीरिक रूप में स्वस्थ देखल गल पर मानसिक रूप में अस्वस्थ रहल रहा ओ जेल से बाहर आवत काल किछ कि सकल नेपाल आने क्रम में पूछल छल अपने कत जा रहल छी ई ओ धीमा आवाज में कहलक जे दार्जिलिंग के कि छना का पहुँचला पर दीपक के पानी देल गेल मुदा ओ कहलक जे पैखाना पतला भ जते नहीं पियब एक पूछल गेल आहा के जेल में किया रखल गल ऐ पर जवाब छल मर्डर एक बाद वो कहलक हम नई अर्थात हम हत्या नहीं केने छे नहीं के मात्रा में बाज रहा तिमसिना के ठोर कापि हाथक का अवरी अस्थिर नहीं गर्मी के कारण पंखा चलोला पर हाथ जाड़ भेल जका छल तिमसिना से पूछल गेल जे आहा के माय कता एक जवाब में कहलक जे पहला था एना का टिमसिना ऐसी किसला पर प्राय मौन व बाजलो आरोप बहुत धीमा आवाज में एक दूटा शब्द मात्र मुँह से निकाल क्षतिपूर्ति के विषय में आदेश मौन अदालत और भाई प्रकाश चंद्र आ कोलकाता स्थित महा दूत के निजी सचिव सतीश था रोहबर में जेल से छोड़ा आदेश देने एक छ महीना में उन अवस्था के जानकारी अदालत के दिल जेव शर्त में वो रिहावेल उच्च अदालत कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश थोटथिल बी राधा कृष्णन आ न्यायाधीश अनिरुद्ध रॉय के इजलास बुध दिन साझ दीपक के छोड़ा आदेश देने अदालत दीपक के मानसिक स्वास्थ्य के कारण देख परिवारक सदस्य के जिम्मा लगा कर छोड़ कहने अदालत ओ करीब 41 वर्ष जेल में रह चुकल आ और समय जेल में राय का न्याय के कोनो औचित्य पूरा नहीं हेबा कहने दीपक के पक्ष में उच्च अदालत कोलकाता के वकील हिरक सिन्हा प्रदीप मंडल मलाई भट्टाचार्य आ सुब्र ज्योति घोष बहस छल ओ सब न्यायिक पक्ष में कहते निशुल्क बहस कर देने दीपक के आधा जिंदगी कारागार में बीतला से आब के दिन में की करवा असमंजस रहल और भाई प्रकाश चंद्र बता दीपक के वर्तमान नहीं भेल भाई प्रकाश चंद्र बतौने अदालत क्षतिपूर्ति के विषय में कि बाईस दिन रहते तो निक होते सबक अपेक्षा सिहो प्रकाश चंद्र कह रहा इम्हर कानून व्यवसायी सबके दावी के अनुसार दीपक के जिम्मा जमानी में छोड़ कहल गया अदालत ऐ विषय में प्रवेश नहीं केने भ सकिया यदपि क्षतिपूर्ति मांग करे भारत के उच्च अदालत में मुद्दा दिल जा सक दीपक कोना पहुंचल जेल इलामक हल माई नगर पालिका ओरा नम्बर दस सा उन्नाइस वर्षक उमेर म तोरी बेचक मङ्गलबारे गए ओत सेल्ल पैसा ल का काम खोजित दार्जलिङ पहुँचल छ दार्जिलिङ म हत्या के आरोप म ओकरा विभिन्न जेल मे त गेल गल एमहर परिवार जन ओ आन्दोलन मारल भ भा आशंकाल ओमय म दार्जिलिङमा आन्दोलन रहल छल सन उन्नीस ऐसी बिरासी के जनवरी में टिमसिहा अदालती ट्रायल के लिए मानसिक रूप में स्वस्थ नहीं भेल दार्जिलिंग जिला अदालत कहने एक बाद जांच के रिपोर्ट अदालत में नहीं बुझल गया से चालीस वर्ष धर जेल में रह पड़ल छल कोलकाता के दमदम कारागार में राधे श्याम दास नामक कैदी दीपक के दस दी वर्ष पहले देखने छल बीतल जनवरी में से दीपक के ओत देख के पूछताछ केला पर चालीस वर्ष ऐसी सुनवाईये बिना जेल में रहल खुजल छल। दास जेल स भेला बद वेस्ट बंगाल रेडियो क्लब म खबर केनेछ एकर विभिन्न संचार माध्यम मेऊ चालिस वर्ष सा जेल मे खबर सार्वजनिक भेल छ अपन टीवी भि धाम